दोस्तों जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट आ गया है। आप देख सकते हो पीएचडी एडमिशन का है, ये आज का रिजल्ट है। यहाँ पर लिखा हुआ 17 सितंबर 2021, ये आज का दोस्तों रिजल्ट है। और दोस्तों रिजल्ट अब आना स्टार्ट हो गया जो कि अभी कुछ दिन से रुका हुआ था। तो दोस्तों जैसे जैसे रिजल्ट आएगा आपको इस चैनल पे वीडियो मिल रहा है, जैसे कि पहले स्कूल का भी रिजल्ट आया था या और भी पीएचडी का रिजल्ट आया था। तो आपको पीएचडी एडमिशन का है आप यहाँ देख सकते हो, डिपार्टमेंट जो है सरोजिनी नायडू सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज़। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर मेरा रिजल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों जैसे रिजल्ट आ रहा है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में तो आपको इस चैनल पर सबसे पहले वीडियो मिल रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप भी कोई एंट्रेंस दियो अगर उसका रिजल्ट अब तक से नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, और जैसे रिजल्ट आएगा आपको इस चैनल पे सबसे पहले वीडियो मिलेंगे। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो जो कि 17 सितंबर को निकला है, यानी आज इसका जो एडमिशन कराने की डेट मिला है आप यहाँ देख सकते हो 20 सितंबर से 24 सितंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको 5 दिन मिल रहा है, आप काउंट कर सकते हो, 20 सितंबर से स्टार्ट है आपका। और आपको जो इसको करके आप नीचे की ओर जाओगे और आपके यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट पे लिखा दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हो। डॉक्यूमेंट में ये आपका रहा एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पर 5 कॉपीज ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यहाँ पर ऑल डिग्री सर्टिफिकेट, और यहाँ पर प्रूफ एज बेस्ड ऑन द हाई स्कूल, यानी आपका क्लास जो 10th का है आपको उसका मार्कशीट ले जाना है, क्योंकि आपको इस पर जो एज रहता है उस पर मेंशन रहता है। और यहाँ पर करेक्टर सर्टिफिकेट आप यहाँ देख सकते हो, करेक्टर सर्टिफिकेट, और यहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले जाना है आपको। ये सब सारे डॉक्यूमेंट है, मैंने डॉक्यूमेंट पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप देख लेना। और दोस्तों आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या अगर कोई पर्सनल मैसेज कर अपने क्लियर डाउट को क्लियर करना चाहते हो तो वो भी इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप देख सकते हो ये सब सारे डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर ऑल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है अगर हो तो आपके पास, और आपके यहाँ पर जो इसको करके आप देख सकते हो, यहाँ पर प्रूफ और परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर जो है उसका भी लेके जाना है। अप्लीकेशन यहाँ पर सर्टिफिकेट फॉर MBBS डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यहाँ पर ब्लड ग्रुप, आपको ब्लड ग्रुप के लिए जो MBBS डॉक्टर से या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको जांच कराकर आपको लेके जाना है ब्लड ग्रुप के लिए। आप यहाँ सब और सब सारे डॉक्यूमेंट आप देख सकते हो, यहाँ पर 15 डॉक्यूमेंट है, आप यहाँ देख सकते हो 15 डॉक्यूमेंट आपको जो कि लेके जाना है। और हम लोग देखेंगे अब कि लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट, आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों। दोस्तों मैं अब भी आपसे बोल रहा हूँ अगर आप भी कोई एंट्रेंस दियो तो आप मुझे कमेंट बता सकते हो, और जैसे रिजल्ट आएगा आपको इस चैनल पे वीडियो मिल जाएंगे सबसे पहले। और जो भी नोटिस निकलता हो, छोटा सा भी हो नोटिस या बड़ा नोटिस, तो आपको सबसे पहले इस चैनल पे वीडियो मिलते हैं। और आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट पीएचडी एडमिशन 2020-21, और यह आपका जो लिस्ट है जिनका सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है सीरियल नंबर, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ का लिखा है रोल नंबर, और यहाँ पर नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर 1, 2, 3 यानी 3 बच्चे का इसमें सिलेक्शन हुए है। फर्स्ट लिस्ट आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों। और दोस्तों जैसे जैसे रिजल्ट आ रहा है आपको इस चैनल पे वीडियो मिल जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि ये सब सारे वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपके कमेंट पे ही थे। जैसे रिजल्ट आया आपको इस चैनल पे आप देख सकते हो वीडियो मिल गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जब भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो लाऊं तो आप सबसे पहले देख सकते हो। तो दोस्तों मैं आपसे फिर एक बार बोल रहा हूँ, अगर आप भी कोई एंट्रेंस दियो अगर जिसका रिजल्ट नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि आप किस कोर्स का एंट्रेंस दियो, और जैसे रिजल्ट आएगा आप चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।